हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वेलवेट की साड़ी को कैसे पहने। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि वेलवेट की साड़ी जब हम पहनते हैं तो फ्रंट प्लेट जो होती हैं वहाँ पे काफ़ी मोटा मोटा सा हो जाता है। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी ट्रिक शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चेक करिएगा, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। वेलवेट का फैब्रिक जो होता है थोड़ा सा मोटा होता है, जो हमारी नॉर्मल साड़ी होती है उससे थोड़ा सा मोटा होता है। तो जैसे हम नॉर्मली साड़ी पहनते हैं आपको वैसे ही साड़ी पहननी है। ये मैंने अपना पल्लू मेज़र कर लिया है। आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको जो शोल्डर प्लेट्स हैं वो आप वेलवेट की साड़ी में अवॉइड करिएगा। हो सके तो आप शोल्डर प्लेट्स मत बनाइएगा, बिकॉज़ वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे काफ़ी मोटा हो जाएगा और पिन लगने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी पिन यूज़ करी हुई है और यहाँ पे मैंने छोटी सी पिन लगाई है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो हम फ्रंट प्लेट्स बनाते हैं उनको आपको, जो नॉर्मली हम प्लेट्स बनाते हैं उसमें हम थोड़ी छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाते हैं, बट इसमें आपको जो फ्रंट प्लेट्स बना रहे हो आप उसको आपको थोड़ी सी बड़ी बनानी है। मतलब आपको जो प्लेट्स होती हैं उन्हें कम बनानी है और थोड़ी बड़ी बड़ी बनानी है, जिससे आपकी प्लेट्स कम बनेंगी और जो मोटा लगता है, काफ़ी मोटा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल कम हो जाएगा, बट थोड़ा सा कम हो जाएगा। मेरा टमी बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा है, तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी भी नहीं बना रही हूँ, बहुत छोटी भी नहीं बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे बस 5 प्लेट्स बनाई हैं और मेरा जो इधर एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं बचा है। तो इस तरह से मैंने अपनी प्लेट्स रेडी कर ली हैं। वेलवेट फैब्रिक की साड़ी बहुत ही ईजिली ड्रेप हो जाती है और एक बार में ड्रेप हो जाती है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने 5 प्लेट्स जो बनाई हैं अपनी फ्रंट की, उसे मैं अपनी बेली बटन के जस्ट नीचे टक कर लूँगी। और आपको जो अंदर आप फैब्रिक इन करते हो उसे थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर देना है कि मतलब वो जो फैब्रिक है वो इकट्ठा ना हो, अच्छे से उसे प्लेन कर देना है, तो थोड़ा सा कम लगेगा आपका, जो मोटा मोटा सा लगता है लोगों को पहनने पर तो वैसा नहीं होगा। और यहाँ पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बचा है, तो काफ़ी अच्छे से साड़ी में फिनिशिंग आ गई है। और मैं यहाँ पे ऑल पिन नहीं यूज़ करूँगी, बिकॉज काफ़ी सारी प्लेट्स हैं तो इस वजह से नहीं लगाऊँगी। आप चाहो तो जो आपकी फ्रंट की जो प्लेट है उसे आप पकड़ के अंदर से टक कर सकते हो, अगर आपको ज़रूरत है। मैं यहाँ पर नहीं यूज़ कर रही हूँ। सो ये मेरी साड़ी ड्रेप हो गई है, बस एक ऑलपिन लगानी है पल्लू पे, छोटी सी ऑलपिन यूज़ करेंगे और थोड़ा सा बैक साइड ऑलपिन पल्लू की जो होती है वो हमें थोड़ा सा बैक साइड लगानी होती है। और काफ़ी अच्छा फैब्रिक होता है ये, और काफ़ी अच्छा ऑप्शन आया है विंटर सीज़न के लिए, कि अगर आप विंटर की कोई शादी अटेंड करना चाह रहे हो और आपको साड़ी ही पहनना है तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन आया है। और मुझे पर्सनली वेलवेट की साड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं, काफ़ी क्लासी भी लगती हैं। तो ये है मेरी साड़ी का फाइनल लुक। आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप किस टाइप की साड़ी के वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।